हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर अ यूएस वीज़ा। हम लोगों ने अभी रिसेंटली यूएस वीज़ा अप्लाई किया था और एप्लीकेशन से लेके वीज़ा स्टिकर तक आने तक हमको टोटल 15 दिन लगे। 15 दिन में हमने फॉर्म फिल किया, अपॉइंटमेंट ली, रीशेड्यूल किया, इंटरव्यू दिया और पासपोर्ट हमारे घर भी आ गया। तो आज तीन हिस्सों में मैं ये पूरी प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। पहला, TS-160 कैसे भरें, क्या ध्यान रखें। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। और तीसरा, अपॉइंटमेंट कैसे रीशेड्यूल करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, DS-160 फॉर्म फिल करने के पार्ट से। DS-160 में आपको मेजरली तो आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है DS-160 फिल करते टाइम, वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताता हूँ। DS-160 सबसे इम्पॉर्टेंट है US वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि वही एक फॉर्म है जिसको देख के वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, वही फॉर्म है जिसको देख के वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। इंटरव्यू में सिर्फ वो वैलिडेट कर रहे होते हैं जो डिटेल्स आपने DS-160 में डाली है। तो कुछ दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है DS-160 में जो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। पहला है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो अपनी कंपनी की डिटेल्स, आप जहाँ काम करते हैं उसकी डिटेल्स, उस आपने इसके पहले जहाँ काम किया है उसकी डिटेल्स बहुत ध्यान से और बहुत ट्रूली भरना है। मतलब आप इसमें फेक नहीं कर सकते कि आप यहाँ काम करते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट उनकी वेबसाइट पे ऐसा है नहीं डॉक्यूमेंट का, बट अगर उनको थोड़ा सा फिशी लगता है तो वो वहाँ पे आपसे इंटरव्यू में उसका डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं बताइए, या इसके पहले जहाँ आप काम करते थे उसका ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली आपको भरनी है। दूसरी, सैलरी। आप सैलरी भरते टाइम बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी कि मैंने मंथली सैलरी की जगह ईयरली सैलरी डाल दी थी और फिर मुझे DS-160 पूरा फिर से भरना पड़ा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है इम्पॉर्टेंटली आपका US कॉन्टैक्ट। अगर आपका US में कोई कॉन्टैक्ट है या कोई फैमिली रहती है तो उसकी डिटेल्स आप बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टली उसके अंदर लिखिए। जो भी रिलेशन है आपका वहाँ पर रहने वाले से, उसका आप रिलेशन लिखिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए कि वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस उनका, किस कंपनी में काम करते हैं, उनका फ़ोन नंबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी वो डिटेल्स आपसे मांग रहा है वो सारी बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि वो इसके अराउंड ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ DS-160 में ये है, आपकी आइटनरी। वो आपसे पूछते हैं, उस फॉर्म में एक सेक्शन रहता है कि आपने प्लान कर लिया है कि US जाने का, व्हाट इज़ योर प्लान, आप कब ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है, हमारे पास कोई फिक्स प्लान नहीं है करके, उस पर आप चेक करिए और उसके बाद में आप टेंटेटिव डेट डाल सकते हैं कि आप किस दिन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो आप, हम लोगों ने 15 डेज मतलब 2 वीक्स का टाइम उसमें रखा था, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली वहाँ पे रहती है तो इट इज़ गुड कि आप 1 महीना या 1.5-2 महीने डालें, क्योंकि उससे उनको थोड़ा सा वैलिडेशन मिलता है कि ठीक है, इसकी फैमिली वहाँ पे रहती है तो ये शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम वहाँ पे बिताएगा। अगर आपकी कोई फैमिली रहती है और आप डाल रहे हैं कि आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जाने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा फिशी लगता है कि अगर किसी की फैमिली रह रही है तो वो 1 हफ्ते में वापस क्यों आएगा, इतना पैसा खर्च करके अगर जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है DS-160 में ध्यान रखने की। इसके बाद जो बाकी सारी डिटेल्स हैं DS-160 में, वो बहुत नॉर्मल, बहुत स्पेसिफिक हैं। आपसे पासपोर्ट नंबर, आपका पूरा नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप बहुत ध्यान से पासपोर्ट में देख के फिल करिएगा, क्योंकि अगर इसमें गलती होती है तो आपको बायोमेट्रिक वाले सेंटर से ही वापस भेज दिया जाता है और आपकी अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो जाती है। तो और आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल होना कितनी बड़ी बात है। तो ये पहली चीज़ हुई। दूसरा पार्ट इस वीडियो का है डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारी जगहों पे आपने बहुत सारे एजेंट से बहुत कुछ सुना होगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी बहुत बड़ी फाइल वो लोग बना देते हैं। अगर यूएस वीज़ा के वेबसाइट के हिसाब से बात करें तो यूएस वीज़ा की वेबसाइट पे ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट कंपलसरीली लेके आना उन्होंने नहीं लिखा है। हम लोग डॉक्यूमेंट सिर्फ इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि हमने जो DS-160 में फिल किया है वो डॉक्यूमेंट्स उस बात को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने अपना फिल किया कि मैं जॉब करता हूँ 3 साल से एक कंपनी में, तो 3 साल पहले का मेरा ज्वाइनिंग लेटर मैं लेके गया कि जस्ट इन केस अगर उसको कोई डाउट होता है इंटरव्यूअर को और वो पूछता है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो। तो कंपलसरीली कोई डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड नहीं है अदर देन योर पासपोर्ट। अगर आपके पास पूरा, अगर आप डाल रहे हैं कि आप पहले किसी कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं,
तो आपको उस कंट्री के, आपके पास अगर वीज़ा स्टिकर वीज़ा नहीं था, ई वीज़ा था, तो उसका एक प्रिंट लेके आप जा सकते हैं। ऐसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म में फिल किया है उसके सपोर्ट में आपको लेके जाना है। अगर आप डाल रहे हैं कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपये, तो आपको बैंक स्टेटमेंट लेके जाना है कि जिसमें दिख रहा हो कि आप हाँ हर महीने आपको 1 तारीख को इतनी सैलरी आती है। इट इज़ जस्ट दैट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट कंपल्सरी उन्होंने नहीं लिखा है वेबसाइट पे। ये हुआ सेकंड पार्ट। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, हाउ टू पे द फीस एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। तो जब आपने DS-160 पूरा फिल कर दिया, उसको साइन एंड सबमिट कर दिया, उसके बाद आप USVisaScheduling.com की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। उस प्रोफाइल में आप अपना DS-160 नंबर, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ डिटेल्स, ईमेल आईडी, सब कुछ मेंशन करके, और अगर आपने सोलो अप्लाई किया है तो सोलो, और ग्रुप में अप्लाई किया तो ग्रुप में पेमेंट करना होता है। जैसे मैंने और हिमानी ने साथ में अप्लाई किया था, आई वाज द प्राइमरी एप्लीकेंट एंड हिमानी को मैंने एज अ डिपेंडेंट ऐड किया था। तो हम लोगों ने हमारी दोनों की फ़ीस एक साथ भरी थी और हम लोगों को एज अ ग्रुप अपॉइंटमेंट मिले थे। तो जब आप फीस पे कर देते हैं, उसके बाद पहला अपॉइंटमेंट आपको जब का भी मिल रहा है, मान लीजिए आज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है जून 2025 का, वो आप ले लीजिए। उसके बाद आपको 2 रीशेड्यूलिंग के ऑप्शंस मिलते हैं फॉर फ्री। तो एक बार अगर आपने बहुत आगे का अपॉइंटमेंट ले लिया है, दूसरी बार जब आपको रीशेड्यूल करना है, उसकी कुछ प्रोसेस है, उसके कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप ईजिली रीशेड्यूल कर सकते हैं ऑन अ वेरी अर्ली डेट। अगेन इट डिपेंड्स के कितने स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं, आप कितना फ्रीक्वेंटली चेक कर रहे हैं, वो सब तो है ही, बट आई हेल्प यू विद द ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप जल्दी अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट जल्दी लेने के लिए 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे एक है visaslots.info, उसमें आप जाके उसका एक क्रोम एक्सटेंशन होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप वो क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं और आप स्लॉट्स देखने लगते हैं यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग की वेबसाइट पे, तो वो आपसे कंट्रीब्यूशन लेता है। उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है, जो जिसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में एक चैटबॉट होता है जो आपको लाइव अपडेट्स देता है। जैसे मान लीजिए 7 बजे मुंबई में कुछ स्लॉट्स ओपन हुए, तो वो आपको 7 बजे ही उसमें अपडेट देगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सब कुछ बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं, जो जिससे मान लीजिए आपने लॉगिन किया भी है 7 बजे और आप देख रहे हैं स्लॉट, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ, उसमें 5 सेंटर्स हैं, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, उसमें से आपको किस पे किस समय क्लिक करना है वो आपको पता नहीं है। आप तो रैंडमली, आप अभी न्यू दिल्ली पे हैं, आप हो सकता है उसके बाद सीधे हैदराबाद चूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास वो ग्रुप है, आपको दिख रहा है कि मुंबई में स्लॉट खुल रहे हैं, तो आप सीधे मुंबई पे क्लिक करेंगे, वो उसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको कोई अर्ली का स्लॉट दिख जाए। ओके, एक चीज़ तो ये है कि आपको अर्ली का OFC स्लॉट दिखा और आपने उसको ले लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेम टाइम पे उसी लॉगिन सेशन में काउंसिलर का भी डेट मिल जाए, विच इज़ वेरी रेयर। तो अगर आप मान लीजिए आपने आज किया और आपको मई 2024 का OFC अपॉइंटमेंट मिल गया है, उसके बाद आपको वो लेके जाता है काउंसिलर के पेज पे, और मान लीजिए काउंसिलर का अपॉइंटमेंट उस समय का है ही नहीं, वो सिर्फ आपको एक ही मैसेज दे रहा है, नो स्लॉट्स अवेलेबल। तो आफ्टर सम टाइम, 15-20 मिनट, आधा घंटा, डिपेंड्स, वो आपका जो OFC है वो भी नल एंड वॉइड हो जाता है और आप बैक टू द फर्स्ट अपॉइंटमेंट चले जाते हो। इसमें जो मैंने कहा था कि आपको 2 चांसेस मिलते हैं, इसमें आपका चांस यूज़ नहीं होता है, तो उसकी चिंता आप मत करिए। आपका चांस तभी यूज़ होगा जब OFC और काउंसिलर दोनों बुक हो जाए। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो आपको दिन में 4-5 बार 6 बार लॉगिन करके करना पड़ेगा, और इसी से हमको भी अपॉइंटमेंट मिला था, इसी से सब लोग लेते हैं। तो सिर्फ ये एक ट्रिक है कि आप वो ग्रुप्स का यूज़ करिए और उसी टाइम उसी सिटी में लॉगिन करके उसका कैलेंडर चेक करिए, आपको दिख जाएगा। तो ये तो हुआ DS-160 डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट लेने का काम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हिमानी आपको बताएगी कि हमारे इंटरव्यू में हमसे क्या क्या पूछा गया था, और उस तब तक वो वीडियो आने तक अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं यूएस वीज़ा से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।